नमस्ते। आज हम आपको मॉस्फेट और थायरिस्टर के बारे में बताएंगे। मॉस्फेट और थायरिस्टर कैसे काम करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, इनका ऑन ऑफ कैसे होता है, ये हम बताएंगे। इसके अलावा हमने ब्रेडबोर्ड पर दो सर्किट असेंबल कर रखे हैं, एक मॉस्फेट से और एक थायरिस्टर से, ये भी हम ऑपरेट करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं सर्किट्स, हमारे पास 11 सर्किट्स हैं, बाकी दूसरी शीट पर हैं। यहाँ पे एक हमने मैकेनिकल स्विच दिखाया हुआ है, अगर यहाँ हम सप्लाई दे दें और ये लोड लगा दें तो इस स्विच को ऑन ऑफ करने से इसमें करंट कंट्रोल कर सकते हैं, करंट फ्लो होगी या बंद हो जाएगी। यही फंक्शन मॉस्फेट इलेक्ट्रॉनिकली करता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, डी मीन ड्रेन, एस मीन सोर्स और जी गेट। जब गेट पे हम कोई पल्स अप्लाई करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो ये ऑन हो जाता है। जैसे ये ऑन हो जाता है वैसे ये ऑन हो जाता है। देखिए ये गेट पल्स हमने यहाँ दिखाई है, यहाँ पर गेट पल्स नहीं है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो ये ऑफ है, ये ऑफ कंडीशन है। यहाँ पर हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये ऑन स्टेट है, ये ऑन हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये गेट पल्स है, तो यहाँ से यहाँ तक मॉस्फेट ऑन है। फिर यहाँ पर हमने गेट पल्स फिर हटा दी, इसको 0 वोल्ट कर दिया, तो ये फिर ऑफ हो गया। तो गेट पल्स से इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। ये मॉस्फेट 2 तरह के होते हैं, एक एन चैनल एक पी चैनल, इन दोनों में एरो अलग अलग होता है। अब हमारे पास एक मॉस्फेट है IRFZ44N, इसका सर्किट ये है, ये IRFZ44N ये है, ये चीज और ये एक जैसी है। इसके अलावा इसमें 3 आइटम एक्स्ट्रा लगे हैं, ये डायोड और 2 जीना डायोड, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। ये डायोड मॉस्फेट को रिवर्स वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, अगर यहाँ प्लस आ जाए यहाँ माइनस आ जाए तो ये बाईपास कर देगा। और ये जीना डायोड इस गेट को ESD इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करते हैं, ये तीनों इसके अंदर हैं। इसकी रेटिंग है 55 वोल्ट 49 एम्पियर। इस 49 एम्पियर को फुल यूज करने के लिए इसमें हीट सिंक लगाना पड़ता है पीछे, देखिए मेटल पार्ट है तो किसी एल्यूमिनियम सरफेस पर या हीट सिंक पर इसको फिक्स करते हैं जिससे इसकी कूलिंग हो। अब ये थायरिस्टर है, थायरिस्टर में भी 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड गेट। ये 2 टर्मिनल ये वाले हैं और ये गेट है। इसमें भी जब हम गेट पल्स देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। यहां क्या होता था, जब गेट पल्स हम हटा लेते थे तो ये ऑफ हो जाता था, यहां ऐसा नहीं होता। गेट पल्स जब हम हटा लेते हैं तो भी ये ऑन बना रहता है, जैसे यहां दिखाया है हमने। ये हमने गेट पल्स दी तो ये थायरिस्टर ऑन हो गया, यहां पर हमने ये गेट पल्स हटा ली
मगर ये फिर भी ऑन है। इसको ऑफ करने के लिए इस करंट का जीरो होना चाहिए। यहाँ लिखा है विल बिकम ऑफ व्हेन टी आई आर बिकम जीरो। आई आर मतलब ये करंट। तो ऑफ करने के लिए गेट का यूज नहीं होता, ऑफ करने के लिए करंट इसमें हमें जीरो करनी पड़ती है। इस थायरिस्टर का अंदर का सर्किट हमने ऐसे दिखाया है, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यहां पर जब हम गेट पल देते हैं तो ये करंट ऐसे फ्लो करती है बेस में और ये ऑन हो जाता है। जैसे ही ऑन हुआ करंट ऐसे फ्लो करने लगती है, इसके बेस में फ्लो करती है तो ये भी ऑन हो जाता है। अब जब ये भी ऑन हो गया तो करंट ऐसे फ्लो करती है, अब इसकी जरूरत नहीं रही, इससे इसके बेस में करंट फ्लो होती है और ये परमानेंट ऑन हो जाता है, तो ये लैच कर जाता है। यहां पर हमारे पास एक थायरिस्टर है TYN616 जिसकी रेटिंग है 600 वोल्ट 16 एम्पियर। ये और ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। इसका भी अगर फुल करंट यूटिलाइजेशन करना हो इसमें भी पीछे आपको यहां सिंक लगाना पड़ेगा, वरना ये गर्म हो जाएगा, जल भी सकता है। अब ये मॉस्फेट और थायरिस्टर का कंपैरिजन चार्ट है। ये साइड मॉस्फेट और ये साइड थायरिस्टर। पहला है गेट इंसुलेटेड। जो मॉस्फेट का गेट होता है इंसुलेट, देखिए बीच में कुछ नहीं है, इंसुलेटर है ये, तो गेट इंसुलेटेड। थायरिस्टर में गेट इंसुलेटेड नहीं होता, इसमें करंट फ्लो होती है। तो चूंकि इंसुलेटेड होता है तो नो करंट इन गेट, वोल्टेज ड्राइवन। यहाँ पे हम वोल्टेज दे देते हैं, गेट में कोई करंट फ्लो नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है, तो गेट करंट रिक्वायर्ड। अब चूंकि ये इंसुलेटेड है तो गेट इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है इसका, इसका गेट इम्पीडेंस लो होता है थायरिस्टर का। फिर मॉस्फेट में गेट से ऑन ऑफ दोनों स्विच कर सकते हैं, पल्स दो तो ऑन हो जाता है, पल्स हटा दो तो ये ऑफ हो जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है, पहले भी हम बता चुके हैं कि गेट जो है इसको खाली ऑन करने के लिए काम देता है, इसे ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ करने के लिए सेपरेट अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब आप हम यहां हमने तीन तरीके दिखाए हैं ऑफ करने के। एक तो ये है कि आप इनकमर ओपन कर दीजिए तो इसमें करंट जीरो होने लगेगा या हो जाएगा, लेकिन ये तरीका इमरजेंसी में ही यूज करते हैं, जैसे आग लग जाए, फायर हो, स्मोक हो, नहीं तो ये तरीका यूज नहीं करते। दूसरा क्या है, थायरिस्टर हमेशा एसी में यूज होता है अधिकतर, तो जब हम एसी देते हैं तो जब निगेटिव वोल्टेज आता है, मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो करंट धीरे धीरे जीरो हो जाती है और ये ऑफ हो जाता है। तीसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए थायरिस्टर ऑन था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, एक और थायरिस्टर होता है, हम किसी तरीके से ये करें इधर डाइवर्ट कर देते हैं, जब करंट इधर डाइवर्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। अब थायरिस्टर के अलावा GTO भी आते हैं, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, जिसका सिंबल ये है। इसमें गेट से ही इसकी तरह ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। इसमें ऑन के लिए पल देनी पड़ती है और ऑफ के लिए भी पल देनी पड़ती है, यहां पे हटा देते हैं, यहां पे ऐसा नहीं है। इसका गेट सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर इसका यूज ज्यादा होता है, इसका यूज कम जगह होता है।
अब ये जो MOSFET हैं लो वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल होते हैं, थायरिस्टर जो हैं हाई वोल्टेज और हाई करंट में भी मिल जाते हैं। फिर MOSFET में हाई सच करंट ये नहीं ले सकता, कैन नॉट टेक। थायरिस्टर कैन टेक हाई सर्च करंट, ये हाई सर्च करंट ले सकता है। जो अभी हमने आपको थायरिस्टर दिखाया था 16 एम्पीयर का TYN616, वो 190 एम्पीयर 10 मिली सेकेंड के लिए नॉन रिपीटिटी ले जाता है। नॉन रिपीटिटी का मतलब ये है कि एक बार करंट फ्लो हो गई तो दोबारा नहीं दे सकते, सब कुछ समय वेट करना पड़ेगा जिससे अंदर वो ठंडा हो जाए। अब इसका यूज होता है डीसी सर्किट में फास्ट स्विचिंग सर्किट के लिए, जैसे SMPS है, इसको यूज करते हैं AC लाइन फ्रीक्वेंसी पर जो लोड होता है उनको कंट्रोल करने के लिए। और इस थायरिस्टर को हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन में भी यूज होते हैं, जैसे HVDC या SVC है। ये थायरिस्टर हाई रेटिंग के मिलते हैं। एक बार हमको एक प्रोजेक्ट में 100 किलो वोल्ट का थायरिस्टर 1000 एम्पियर पर चाहिए था, तो हमने 1 किलो वोल्ट और 1000 एम्पियर का थायरिस्टर लेकर के 96 सीरीज में लगाए थे। तो ये थायरिस्टर सीरीज में ला के बहुत हाई वोल्टेज के लिए भी यूज हो जाता है, जैसे HVDC और SVC में करते हैं। इसमें रिवर्स वोल्टेज आ जाए तो प्रोटेक्शन चाहिए, एक्स्ट्रा डायोड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रिवर्स वोल्टेज। इसमें ऐसा नहीं है, ये रिवर्स डायोड नहीं चाहिए, कैन टेक फुल रिवर्स वोल्टेज। यहां पे आप रिवर्स वोल्टेज लगा दो ये फुल ले जाएगा। अब यहां पर MOSFET का और थायरिस्टर का आनाप दिखाया है। MOSFET में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब गेट पल्स देते हैं तो जब यहां पे हाई होता है तो ये ऑन हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लगती है, IR। तो ये ऑफ पीरियड है, ये ऑन है और ये फिर ऑफ है। थायरिस्टर में क्या होता है? थायरिस्टर में दो केस हैं, एक रजिस्टर है एक इंडक्टर है। मान लीजिए रजिस्टर लगा है, इसमें AC देते हैं, यहां DC देख रहे हैं, तो यह वोल्टेज ये है। हम मान लीजिए कि हमने 60 गेट पल्स दी ऐसी यहां पर इस टाइम पर, तो जैसे ही गेट पल्स देंगे ज्ञान हो जाएगा। जब तक ये ऑन नहीं था, थायरिस्टर के पास फुल वोल्टेज आ रहा था, जैसे गेट पल दी ये ऑन हो गया और इसमें करंट फ्लो होने लगी। यहां से यहां तक करंट फ्लो होती रहेगी, ये ऑन रहेगा। जब ये वोल्टेज दोबारा जीरो हुआ, यहां पर वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा इसमें। जैसे ही करंट जीरो हुई ये थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा और फिर इसके क्रॉस ये फुल वोल्टेज आ जाएगा और इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अगर दोबारा ऑन करना है तो ऐसी गेट पल्स यहां पे दोबारा देनी पड़ेगी। तो ये वाला ऑफ पीरियड ये है, ये वाला ऑन पीरियड ये है, और यहां पल्स हटाने के बाद ये ऑफ हो जाता था, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। यहां पे तब तक ये ऑन रहता है, लैज कर जाता है, जब तक करंट खुद जीरो नहीं हो जाती, क्योंकि यहां रिवर्स वोल्टेज आने लगता है, तभी थायरिस्टर ऑफ होता है। यह हमने रिएक्टिव लोड लगा रखा है, जैसे यहां गेट पल देते थे यहां भी गेट पल देते हैं, जैसे ही गेट पल देंगे ये ऑन हो जाएगा। देखिए वी थायरिस्टर ये और ये वोल्टेज एक जैसा है, यहां पर हमने गेट पल दी तो थायरिस्टर ऑन हो गया,
अब जैसे ही ऑन हुआ इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो यहां पर यहां से करंट डेवलप होना शुरू हुआ, ये IL है। अब रिएक्टर में करंट एक ना मिनट डेवलप होती, धीरे धीरे होती है, तो करंट इसमें बहना शुरू हो जाएगा। जब यह वोल्टेज 0 हो जाता है तो भी इसमें करंट फ्लो होती रहती है, इसमें इनर्शिया के कारण, करंट इनर्शिया होता है, तो करंट इसमें फ्लो होती रहेगी। जब ये वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तो ये एनर्जी इधर ट्रांसफर होने लगती है और करंट कम होने लगती है। थायरिस्टर अभी भी ऑन है, मतलब वोल्टेज नेगेटिव हो गया मगर इसमें करंट 0 नहीं हुई, देखिए करंट फिर भी फ्लो कर रही है, तो थायरिस्टर ऑन है अभी भी। जब ये करंट कुछ समय के बाद 0 हो जाएगी, जैसे यहां पर हुआ, तब थायरिस्टर ऑफ होगा। तो एक बार पल्स देने से यहां तक ये करंट फ्लो होती है। ये हमने समझाने के लिए स्पेशल केस दिखाया है। जनरली जब रिएक्टर होता है तो गेट पल्स 90 डिग्री से पहले नहीं देते, इसके बाद देते हैं, जिससे 10 मिली सेकेंड के लिए ही करंट फ्लो हो। यहां पे देख रहे हैं आप, काफी देर तक करंट फ्लो हो रही है। यहां पे हमने दो सर्किट असेंबल कर रखे हैं, यहां दो सर्किट डायग्राम हैं, दोनों एक जैसे हैं, खाली अंतर क्या है कि यहां पर हमने मॉस्फेट यूज किया है स्विचिंग एक्शन के लिए और यहां पर थायरिस्टर। यह स्विच है, ये वाला स्विच ये है। जब यह स्विच हम ऑन करते हैं तो इसमें गेट वाल जाती है, यहां पे वोल्टेज आ जाता है, तो ये ऑन होता है। और ये लोड रेजिस्टेंस है 220 ओम। तो जब हम स्विच को दबाएंगे तो ऐसे वोल्टेज यहां जाएगा और इसमें करंट फ्लो होगी। ये और ये हमने इंडिकेशन के लिए लगा रखे हैं। जब ये स्विच ऑन करेंगे, गेट पल्स ऑन होगी, तो ये LED ग्लो होगा, देखिए करंट ऐसे फ्लो होगी, ऑन हो जाएगी। ये ग्रीन LED ये है, ग्रीन मतलब गेट पल्स जा रहा है। अच्छा, मॉस्फेट ऑन होगा तो इस LED में करंट फ्लो होगी ऐसे, और ये वाला LED ग्लो करेगा रेड कलर का, ये वाला। इसी प्रकार यहां पर भी ये वाला स्विच ये है, बिल्कुल एक जैसा फंक्शन है। जब स्विच हम ऑन करेंगे तो इसमें गेट पल जाएगी और ये LED भी ग्लो करेगा, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो, ये वाला LED ये ग्रीन है। और जब इसमें गेट पल जाएगी तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, जैसे ही थायरिस्टर ऑन होगा लोड करंट फ्लो करेगी ऐसे, इसके साथ ही इस LED में भी करंट फ्लो करेगी, तो ये वाला LED ऑन हो जाएगा। तो ये ग्रीन LED शो करेंगे कि इनमें गेट पल जा रहा है, और रेड LED शो करेंगे, ये वाला शो करेगा ये मॉस्फेट ऑन है, ये वाला शो करेगा कि ये थायरिस्टर ऑन है। अब अभी दोनों ओपन कंडीशन में हैं। अब हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें गेट पल्स नहीं जा रहा है, ये 0। यहां पे एक हमने रजिस्टर लगा रखा है 10K और 10K, ये हमेशा लगाते हैं, इस टर्मिनल को कभी फ्लोटिंग नहीं रखते। तो ये स्विच ओपन है, हम यहां पर हैं, और ये मॉस्फेट ऑफ है। जब स्विच को हम दबाएंगे तो हम यहां आ जाएंगे, ये ऑन हो जाएगा, ये LED भी ग्लो करेगा, ये LED भी ग्लो करेगा। तो हमने ये दबा दिया, ये देखिए ये ऑन हो गया, ग्रीन का मतलब इसमें गेट पल जा रही है, और रेड का मतलब ये मॉस्फेट ऑन है। अब हम यहां पर है, यहां से लेकर के यहां तक। अब हम इसको फिर ऑफ कर देते हैं स्विच को, तो गेट पल चली जाएगी, गेट पल चली जाने से ये ग्रीन LED ऑफ हो जाएगा। देखिए हमने ऑफ कर दिया, ये स्विच ओपन कर दिया, तो
तो गेट पल्स खत्म हो गई, ये एलईडी ऑफ हो गया और ये थर्स्टर भी ऑफ हो गया, तब ये रेड एलईडी ग्लो नहीं कर रहा। अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ से लेके फर्दर अब थर्स्टर में देखते हैं। थर्स्टर में अभी हम यहाँ हैं, इसके पहले ये स्विच ओपन है तो ये एलईडी भी ऑफ है, ये एलईडी भी ऑफ है। अब जब हम स्विच ये क्लोज करेंगे तो जितनी देर ये क्लोज रहेगा गेट पल जाएगी और ये एलईडी ग्लो करेगा। अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा, ये एलईडी बताएगा गेट पल जा रही है, ये एलईडी बताएगा कि ये ऑन है या ऑफ है। अब हम इसको ट्रिगर करते हैं, मतलब हम यहाँ आते हैं। ये देखिए हमने स्विच क्लोज कर दिया, अब गेट पल जा रही है, ये ग्रीन एलईडी ये वाला ऑन है और थर्स्टर भी ऑन हो गया, तो करंट यहाँ फ्लो कर रही है और ये लोड करंट ऐसे फ्लो कर रही है, गेट करंट ऐसे फ्लो कर रही है। इसमें नहीं फ्लो होती गेट करंट, इसमें खाली वोल्टेज आता है। गेट करंट ऐसे फ्लो कर रही है और ये एलईडी इंडिकेशन ऐसे करंट फ्लो कर रही है। अब ये हम यहाँ से यहाँ तक हैं, अब हम गेट पल्स हटा लेंगे। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि गेट पल्स देने से ऑन हो जाता है, गेट पल्स हटाने से ये ऑफ नहीं होता, ऑन बना रहता है। तो हम जब गेट पल्स हटाएंगे तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा, ये ग्लो होता रहेगा। देखिए अब हम यहाँ पर हैं, हमने स्विच ओपन कर दिया तो गेट पल्स नहीं जा रही, ये एलईडी ऑफ हो गया, मगर ये अभी भी ऑन है, ये लैच कर गया। अब हम यहाँ पर हैं, मतलब गेट पल्स दे के हटा ली हमने, गेट पल्स नहीं है फिर भी ये ऑन है। यहाँ पे क्या होता था, ऑफ हो जाता था गेट पल्स हटाने पर, यहाँ पर ओपन करने पर ये ऑफ नहीं हो रहा, ये परमानेंट ऑन हो गया है। अब इसको ऑफ करने का एक ही तरीका है कि हम इसमें करंट जीरो कर दें। अब हम करंट जीरो करने के लिए ये सप्लाई हटा लेते हैं तो करंट जीरो हो जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑफ हो गया, मैं फिर दिखाता हूँ एक बार, इसको ऑन किया, हम यहाँ पर हैं, गेट पल्स हटा ली मगर थर्स्टर अभी भी ऑन है, अब सप्लाई हटा दी तो ये ऑफ हो गया। आज के लिए इतना ही।